4 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को समय करीब 12 बजे रायबरेली के राणा बेनी सिंह जिला अस्पताल पहुंची। प्रभारी मंत्री के द्वारा जिला अस्पताल रायबरेली का औचक निरीक्षण किया गया, जहां पर उनके द्वारा भर्ती मरीजों से वार्ता की गई। उनसे पूछा गया कि सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही आपको मिल रही या नहीं। इसके अलावा उनके द्वारा औषधि भंडारण का भी निरीक्षण किया गया। वही कुछ छोटी छोटी कमियां भी नजर आई, जिसको सही करने के लिए उन्होंने CMS को निर्देशित किया। पत्रकारों के द्वारा जिला अस्पताल में लकवा के इंजेक्शन के बारे में पूछा गया, उसकी उपलब्धता जिला अस्पताल में है या नहीं, जिस पर प्रभारी मंत्री ने CMS से जवाब मांगा तो CMS बगल झांकते नजर आए। गोलमाल जवाब देते हुए प्रभारी मंत्री को भी गुमराह करते नजर आए। दवा वितरण पर लंबी लाइन देख प्रभारी मंत्री नाराज हुए और 2 और लाइन लगवाने के निर्देश दिए। आज कहाँ का निरीक्षण किया? आज हॉस्पिटल का, जिला अस्पताल का निरीक्षण हुआ है। क्या मिला है? हॉस्पिटल ठीक है, दवा में थोड़ी लंबी लाइन है तो बता दिया कि अलग से काउंटर बना दिया जाएगा और सारी व्यवस्थाएं ठीक है। मैम, 2 दिन से लगातार बेड फुल चल रहे हैं, उसको लेकर कुछ आपने देखा क्या? अब इसमें संचारी रोग फैल रहा है तो बेड तो फुल है तो अलग से व्यवस्था कर दी जाएगी, पर हमारे सामने ऐसी कोई शिकायत नहीं आई अभी। लकवा के इंजेक्शन नहीं है यहाँ पे जिसका पैरालिसिस? हम लोगों ने पूछा, एक मरीज था उसने बताया नहीं कि हमें इंजेक्शन नहीं लगा। अभी हम जनरल में देख के आ रहे हैं उसको लगवा के। बताइए भाई, मैम दवा को लेकर अभी कोई शिकायत कर रहा था क्या? हो जाता है दवा को लेकर कोई अभी शिकायत? नहीं, दवा को लेकर शिकायत नहीं कर रहा था। जन औषधि केंद्र में जो हमारा मूल लिखा है वो तो उसको देना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये केंद्र खोला गया है जिसमें हमें कम रेट की दवा दी जाती है मरीजों को। तो 30 रुपए की दवा है तो 30 रुपए जो लिखा है कम मूल्य उसका उतना तो देना है उसको ना, दे है वही बात, उसको जानकारी लेना चाह रहा है। मैम, यहाँ पे जो सफाई कर्मी होते हैं वो सुई लगवाते हैं यहाँ पे जिला अस्पताल को? क्या सफाई कर्मी क्या इंजेक्शन लगाते हैं? नहीं नहीं बताइए, ऐसा कुछ तो अभी हमें नहीं मिल रहा है। हाँ, सफाई कर्मी का काम सफाई करना, अभी हमारे पास तो कोई शिकायत नहीं। ऐसा इंजेक्शन नहीं, लेकिन जो बहुत ट्रेंड है जैसे 20-25 साल के जो काफ़ी स्किल्ड है तो इंजेक्शन लगा सकता है? नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, यह नहीं करना। लेकिन अभी तो किसी ने हमें नहीं बताया, जनरल मरीजों से पूछा इसीलिए औचक निरीक्षण किया कि कोई मरीज हमें बोले कि हमें से पैसे मांगे गए, लेकिन हमसे पैरालिसिस ऐसा है कि जो लो मॉलिक्यूलर वेट रिपेयरिंग लगती है, जो नॉन हेमरेजिक स्ट्रोक होते हैं उसमें ये लगती है, वो इंजेक्शन है हमारे पास। एक इंजेक्शन लगभग 50,000 का है, वो बहुत पहले किसी कंपनी ने दिया था तो वो लगा था 2-4 लोगों को, तो वो पब्लिक चाह रही कि 50,000 वाला इंजेक्शन आवश्यकता होगी तो उपलब्ध होगी, जब आवश्यकता नहीं होगी तो आप बताइए। नहीं है बताइए, बस खड़े हैं ना, आप बताएं, आप लड़े आके। अभी एक मरीज था तो हमने पूछा उसके साथ। दूसरा ये है कि वो हर मरीज में नहीं लग सकता, जैसे जिसमें हेमरेज है उसमें वो इंजेक्शन नहीं लगेगा, कंट्रा इंडिकेटेड और हेमरेज हो जाएगा, तो नॉन हेमरेजिक स्ट्रोक में ही वो लगता है और वो अभी सरकार द्वारा दवा में जो भी नए जो भी सुधार हैं जो हमारे मरीज आ रहे हैं संतुष्ट पाए गए हैं। हाँ, नहीं तो आप उपलब्ध रखिए, आप डिमांड रख लीजिए, डिमांड रख लीजिए, कोई ऐसा आता है पेशेंट जिसको उसकी आवश्यकता है तो उसको दिया जाए। ऑलमोस्ट हर जनरेशन की एंटीबायोटिक मेरे पास, बस ये लंबी लाइन काउंटर में पाई गई, जिसके कारण इनसे कह दिया गया 2 काउंटर और खोल लेंगे, जिसके कारण हमारे यहाँ।